नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। दरअसल पूरा मामला यूपी के जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के कस्बा बेवर में सड़क किनारे डेरा डालकर गुमंतु जाति के लोग निवास करते हैं। वहीं चार दिन पूर्व दो सगी बहनें रोजाना की भांति खुले मैदान में शौच के लिए जाती थी। जब यह शौच करके वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोका और बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। वहीं बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया और अभियुक्त की तलाश में जुट गई। हालांकि अज्ञात व्यक्ति था तो काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने कस्बा में लगी जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनको कामयाबी हाथ लगी, जिससे एक अभियुक्त दोनों बहनों को ले जाते हुए दिख रहा है। फोटो के आधार पर पुलिस ने उसको खोज निकाला और यह व्यक्ति मोनू, जो कि दौलतपुर बेवर थाने का निवासी है और हाल निवासी कुंवरपुर बनवारी थाना छिबरामऊ कन्नौज में रह रहा था। पुलिस ने इसको धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मैं ट्रक पर हेल्पर हूँ, पंजाब से बेवर घटना वाले दिन आया था। जब मैं सड़क से गुजर रहा था पैदल तो यह दो बच्चियाँ हमें दिखी, हमने इशारा किया तो यह पास आ गई, खाने की बात कही और हम इनको लेकर कस्बा से बाहर एकांत जगह में ले गए और बड़ी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पीड़ित की पहचान के बाद अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेज दिया।